हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि सैमसंग A52s में एक नया अपडेट आया, या फिर बोल सकते हैं उसमें एक नया सिक्योरिटी का अपडेट आया था। उसमें मैंने कहा था उस वीडियो में कि मैं आपको आने वाले टाइम पे इस अपडेट का रिव्यू करके बताने वाला हूँ। तो आज मैं उस अपडेट का पूरी तरह से रिव्यू करके बने वाला हूँ, मतलब कि क्या नए चेंजेस लगे, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या उसमें डिक्रीमेंट हुआ, मतलब कि क्या उसमें बक्सेज आए, सब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस आई टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग A52s के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है आपको यहाँ पर सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट में। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये अपडेट को यहाँ पर कल के रखा है। लास्ट अपडेट आपको दिख रहा होगा, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर करा हुआ है। दोस्तों इस अपडेट में क्लियरली मेंशन है कि इसमें कुछ नया चेंजेस नहीं किया गया, सिर्फ सिक्योरिटी का इम्प्रूव किया गया। मतलब तो इसमें जून की सिक्योरिटी को यहाँ पर एड ऑन किया गया है। अब फाइनली बात करें इसके नए चेंजेस की, तो दोस्तों मैंने इसको 2 दिन यूज़ करा, इसमें कोई नया फीचर एड ऑन नहीं हुआ है। कोई भी नया फीचर यहाँ पर एड ऑन नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी हद तक यहाँ पर थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट तो हुई है। मतलब कह सकते हैं कि इसमें लेग वैग नहीं है, आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ईजिली, मतलब नॉर्मली यहाँ पर वर्किंग कर रहा है। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा टाइमिंग का इशू यहाँ पर हो सकता है कि जो एनिमेशन है थोड़े से स्लो वर्क कर रहे हैं, बाकी ओवरऑल ये यहाँ पर सही वर्क कर रहा है। अगर आप यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर यूज़ करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये यहाँ पर सही साठ यहाँ पर वर्क कर रहा है, या बोल सकते हैं अच्छे से यहाँ पर ये वर्कआउट कर रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ गैलरी में चेक करेंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे, वहाँ भी आपको दिख जाएगा कि ये यहाँ पर सही साइड चल रहा है। और भी अगर कोई आप बहुत सारी ऐप्स को इकट्ठी खोल लें, जैसे कि मैंने उस टाइम भी बताया था, मैंने यहाँ पर ये मैसेज भी खोल लिया, यहाँ के वीडियोज़ भी, वीडियो रिकॉर्डिंग का भी खोल लिया, और यहाँ कैमरे को भी खोल लेता हूँ। उसके बाद भी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर सही साइड चल रहा है, मतलब कि अच्छे से यहाँ पर वर्किंग कर रही, कोई भी यहाँ पर लैग का इशू नहीं आ रहा है। नॉर्मली यहाँ पर इशू, मतलब नॉर्मली यहाँ पर सही साइड चल रहा है। और अगर आप बात करें कि इसकी और परफॉर्मेंस की, बैटरी की परफॉर्मेंस की, तो मैं आपको ले जाऊँ यहाँ पर सेटिंग पे। सेटिंग पे ले जाने के बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर, सेटिंग में ले जाने के बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर बैटरी एंड डिवाइस केयर में, एंड बैटरी में आपको यहाँ पर ले जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे लास्ट 2 दिन में, जब से ये अपडेट आया है उसके बाद का अगर यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट 7 डेज है, तो मेरा जो ओवरऑल पहले जो चलता था यहाँ पर, अगर आप देखें पहले जो मेरी चलती थी बैटरी, अगर मैं 3 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम रहूँ तो 18 घंटे यहाँ पर चलती थी, और अगर मैं स्क्रीन ऑन टाइम मेरा 1 घंटा रहा तो यहाँ पर ज़्यादा कभी कभी 25, मतलब कभी ज़्यादा और कभी कम, नॉर्मल मुझे यहाँ पर 18 से 19 घंटे का मेरा बैकअप मिलता था। और इस अपडेट के बाद देखेंगे, जिस दिन अपडेट किया उस दिन यहाँ पर आप देखेंगे 17 घंटे का बैकअप मिला, 4 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम के साथ। और 28 तारीख, मतलब कि आज ही के दिन, अभी मैं 3 घंटे इसको यूज़ कर चुका हूँ स्क्रीन ऑन टाइम, और 15 घंटे यहाँ पर स्क्रीन रहा, मतलब बैटरी की इम्प्रूवमेंट यहाँ पर लगी है, बैटरी परफॉर्मेंस को यहाँ पर इम्प्रूव आउट किया गया है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आपके सामने मैं लाइव ही बता रहा हूँ, इसके बैटरी का इम्प्रूवमेंट लगाओ। आज कुछ ज़्यादा ही बैटरी अच्छी परफॉर्म कर रही है, बिकॉज आज मैंने नेट को ज़्यादा यूज़ नहीं करा, बाकी ओवरऑल बैटरी में इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आप कह सकते हैं। एक बार आप चार्ज करने के बाद फुल डे यहाँ पर आप इजीली इसको वर्कआउट कर सकते हैं। पर यहाँ पर मुझे एक जो बग लगा, मेजर जो बग लगा, वो है कैमरे का। अगर आप कैमरे में अगर कोई फोटो को यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो आप देखेंगे उसको कैप्चर होने में बहुत टाइम लग रहा है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर फोटो को क्लिक करा तो वो यहाँ पर आने में ही टाइम लग रही है। जैसे मान लो ये फोटो क्लिक हो रही है, आप देख सकते हैं ये फोटो क्लिक हो गई, क्लिक होने के बाद वो नीचे आने में ही टाइम लग रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट की अगर आप फोटो खींचते हैं तो उसको तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर आप जैसा कि यहाँ पर कैमरे के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर आप कोई फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर कंप्रेस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप देख सकते हैं मैंने फ़ोटो कब क्लिक करी है और कितनी देर बाद यहाँ पर आ रही है। तो ये एक चीज़ मुझे एक बग लगा, ये बग तो पहले भी था बट अभी भी मुझे ज़्यादा ये बग लगा। बाकी ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे, मतलब कि अगर यहाँ पर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आपको परफॉर्मेंस में यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है, परफॉर्मेंस यहाँ पर बेस्ट चल रही है। बट कैमरे के अंदर मुझे वो बग लगा, ये आप देख सकते हैं, आप यूज़ करके देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, मुझे वो बग वहाँ पर लग रहा है। मेरे मोबाइल की क्या बोलते हैं स्टोरेज भी खाली है, उसके बाद भी सेम वो बग वहाँ पर आया। जो कहें उसकी हीटिंग के बारे में,
दोस्तों हीट तो मुझे अभी नहीं लगा बिकॉज कि हमारे इधर जो एमपी में यहाँ पर इसका टेम्परेचर अभी चेंज हो चुका है, गर्मी से अभी थोड़ा बारिश वारिश हो रही है तो मौसम थोड़ा ठंडा होने की वजह से मुझे यहाँ पर टेम्परेचर में तो कोई नहीं लगा, या बोल सकते हैं हीटिंग का कोई इशू नहीं लगा। अगर आप जहाँ आपके जहाँ जिस एरिया में आप बोल सकते हैं जहाँ पर अगर आप हैं वहाँ अगर गर्मी है तो आपको वहाँ पर हीटिंग का एहसास हो सकता है, बट मुझे अभी ओवरऑल इस हीटिंग नहीं लगी। कंटिन्यू मोबाइल ऑन भी करा मैंने, नेट चलाया, चार्ज पे लगा के भी यूज़ करके रखा, चार्ज पे भी लगा, ऑटो स्पॉट भी चल रहा है, नेट भी चल रहा है, कंटिन्यू चार पांच एक्टिविटी करी उसके बाद भी वो मुझे थोड़ी सी भी हीटिंग एहसास नहीं हुआ बिकॉज हमारे इधर जो वेदर है चेंज आउट हो गया। अगर आपके वहाँ वेदर का इशू है तो आपको थोड़ा बहुत आपको हीटिंग का महसूस कर सकते हैं अगर आपके वहाँ अभी भी गर्मी पड़ रही है या धूप है। ओवरऑल ये अच्छा था, आपको इसको हमेशा अपडेट करके रखना चाहिए। एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में अपडेट होना चाहिए बिकॉज कोई ना कोई सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट होती है जिससे लेटेस्ट मालवेयर से आप बच जा सकते हैं। तो ओवरऑल इस अपडेट को आपको करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो थैंक यू।